अस्सलाम वालेकुम जुबैर खान, आज आपको एक दफ़ा फिर पिशावर डीएचए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ जो है यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनसे अभी हमारी मुलाकात हो गई है, और मैनेजमेंट का कहना यह था कि बहरिया टाउन पिशावर जो है ना वो जल्दी लॉन्च होने वाला है। जल्दी से मतलब ये है कि ये पहले भी कई दफ़ा हम सुन चुके हैं, 2019 के अंदर जब ये लॉन्च हो रहा था तब भी एक आवाज़ आई थी कि यार बहरिया टाउन जो है ना वो लॉन्च हो रहा है, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पे वो डिले हुआ। उसके बाद फिर दोबारा 2021 के एंड में ये फिर इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि यार बहरिया टाउन पिशावर जो है ना वो रीलॉन्च हो रहा है, लेकिन वो भी दोबारा बैठ गया था। और इसके रीजंस क्या थे आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि वो जो पहले लॉन्चेस हो रही थी वो किस वजह से जो है ना वो डिले हो गई थी, क्या उसके बिहाइंड क्या रीजंस थे, और अब जो है वो लॉन्चिंग हो रही थी और लोकेशन जो है ना वो कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते चले कि बड़ी खुशखबरी ये है कि ईद के बाद बड़ी ईद के बाद प्रोबेबली यहाँ जो है ना पिशावर डीएचए का जो है ना वो लॉन्च हो जाए, सॉरी पिशावर बहरिया टाउन जो है वो लॉन्च हो जाए, और ईद के बाद जो है ना वो इनका ख्याल है, क्योंकि अभी जो लैंड परचेजिंग का अमल था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। दो लोकेशन है, लोकेशन भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक लोकेशन जो है ना वो वर्सक रोड है जो कि डीएचए एक्सटेंशन के बैक साइड पर आ रही है, और दूसरा लोकेशन जो है वो तलाजाक रोड के ऊपर है। तलाजाक रोड जो मेन हमारा जो मोटरवे चल रहा है, मोटरवे जो पिशावर टूल प्लाजा है इसके राइट साइड पर जो एरिया आ रहा है, तकरीबन ये जो लैंड है ये बहरिया टाउन ने ऑलरेडी परचेज कर ली है। ठीक है, और इसकी अब जो है ना वो जो प्रोसेस है वो एनओसीज का प्रोसेस चल रहा है, और एनओसीज की कई हद तक जो है ना वो चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इंशाल्लाह कुछ जो चीज़ें हैं वो हम ख्याल है कि ये इसको ना सॉफ्टली लॉन्च करें। तो पहला जो लोकेशन है प्रोबेबली अभी ये फैसला डायरेक्टर्स ने करना है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है हमें कि ये जो है ये ईद के बाद जो है ना फर्स्ट फेज लॉन्च करेंगे, वो जो है ना ये तनाजा रोड वाला फेज होगा। ठीक है, अब जो पुराना था, ठीक है, इससे पहले भी 2019 के अंदर जब लॉन्चिंग हुई थी, जब इस ऑफिस की इनॉग्रेशन हुआ था, मलिक रियाज साहब खुद यहाँ पर आए थे और ऑफिस के इन्होंने इनॉग्रेशन किया था, उस वक्त जो लॉन्चिंग थी वो असल में ना इन पर एक ज़मीन मिली थी नौशेरा के अंदर, लेकिन कुछ साहब के साथ जो है ना कुछ मामलात के अंदर चीज़ें सही नहीं चली, तो वो जो पेच था वो इनके हाथ से निकल गया था। तो जब टाइम लगा तो टाइम इस वजह से लगा, दूसरे क्योंकि एक फ्रॉम द वेरी बिगेनिंग स्क्रैच इनको एक नई जगह देखनी थी, उनकी फिजिबिलिटी देखनी थी, उनको देखना था कि कोई ऐसी ज़मीन हमें मिले जो कि एक्सटेंशन के काबिल हो, बाद में जहाँ अगर हम एक्सटेंशन भी करना चाहें तो हमें एटलीस्ट इतनी ज़मीन मिले ताकि बाद में हम इसके ऊपर एक्सटेंशन भी कर सकें। तो इतने टाइम में वो ज़मीन फाइंड करना, फिर उसकी फिजिबिलिटी लाना, फिर यहाँ से फाइनेंस है वो अप्रूव करना, तो उसमें वो टाइम इनका लग चुका है। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है, जो गुड न्यूज़ आ रही है वो ये है कि बहरिया टाउन पिशावर जो है ना वो ईद के बाद रीलॉन्च होने जा रही है, और मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रियल एस्टेट के हवाले से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाके रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।